सर, स्पेस में फाउंटेन पेन बॉल पेन चलता नहीं है, तो एस्ट्रोनॉट्स ने पेंसिल का इस्तेमाल क्यों नहीं किया? अच्छा सवाल तो पूछा था रणछोड़ दास श्यामल दास चाचर 3 डेड वाले ने। पेंसिल हल्की है, हर दिशा में लिख लेती है, सबको इस्तेमाल करने भी आती है, और न जाने अपने साथ बचपन की कितनी यादें लेकर चलती है। बचपन की सबसे पसंदीदा पेंसिल थी नटराज पेंसिल, जो 1 रुपए में मिल जाती थी और खत्म होने से पहले गुम हो जाया करती थी। आप में से काफी लोग तो ऐसे भी होंगे जिन्होंने पेंसिल से लिखा कम होगा और चबाया ज्यादा होगा, और चबाते चबाते कभी ये जिज्ञासा भी तो मन में जागी होगी कि आखिर ये पेंसिल की लेड को इन लोगों ने पेंसिल में भरा कैसे होगा? क्या लकड़ी में होल करके लेड को इसमें भरा जाता है, या कोई और ही राज है? जानेंगे हमें आज लकड़ी के नटराज पेंसिल बनने की पूरी कहानी को आज की इस वीडियो में, तो अंत तक बने रहिएगा। पेंसिल की जरूरत दोस्तों आखिर पड़ी क्यों? पेंसिल का आविष्कार किसने किया ये तो कोई नहीं जानता, पर इस बात पर सब सहमत हैं कि पेंसिल का आविष्कार कलम और दवात के झंझट से तंग आकर किया गया होगा। पहले पंख और स्याही की मदद से लोग लिखा करते थे, पर कभी ज्यादा स्याही कागज पर गिर जाती थी तो सारा का सारा कागज ही बर्बाद हो जाता था। आप सोचिए ऐसे में कितनी मुश्किल होती होगी उन्हें जिन्हें थोड़ी देर में अपना प्रेम पत्र कहीं पहुंचाना है। ऐसी कई मुश्किलों से ऊब कर लोगों ने चारकोल का इस्तेमाल करके लिखना शुरू कर दिया, पर चारकोल से लिखने पर भी एक समस्या थी। चारकोल हाथों को गंदा कर देता था, जिस वजह से आखिरकार किसी ने एक नया तरीका सुझाया, चारकोल को ऊपर से कवर करने का, और बस फिर क्या था, प्रेम पत्र वक्त पर पहुंचने लगे। आज की दुनिया में पेंसिल बनाने का काम पूरी तरह से मॉडर्नाइज हो चुका है और अब ये बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज में बनाई जाती है। चारकोल को भी अब दरकिनार कर दिया गया, फैक्ट्रीज में ग्रेफाइट का इस्तेमाल किया जाने लगा है। आइए इसके पूरे प्रोसेस को देखते हैं। पेंसिल बनाने के लिए सबसे पहले उसकी लेड पर काम होता है, जिसे ग्रेफाइट, क्ले और पानी के साथ अच्छी तरह से आपस में मिक्स किया जाता है। इसके बाद एक प्रेसिंग मशीन इस मिक्सचर से लेड्स को आकार देकर बाहर निकालती है। अगले चरण में इन लेड्स को डाई करने का काम शुरू होता है, जिसके बाद 1500 डिग्री फ़ारेनहाइट पर इन लेड्स को अच्छी तरह से पकाया जाता है ताकि ये सख्त हो सके। इन लेड्स को फिर लिक्विड वैक्स में कुछ देर के लिए डुबा दिया जाता है। अगर कलर पेंसिल बनानी है तो वैक्स या क्ले में कुछ कलर पिगमेंट डालकर उन्हें या कलर कर दिया जाता है। पहला काम यहां पर खत्म हो जाता है, जिसके बाद इन लेड्स को स्टोर करके रख दिया जाता है। आगे लकड़ी वाले हिस्से पर पढ़ने से पहले हम आपको बता दें कि पेंसिल लेड साइंस वाला लेड नहीं होता है, उस तरह के लेड में जहर होता है दोस्तों, और उससे आपको लेड पॉइजनिंग भी हो सकती है। पेंसिल वाला लेड उससे बिल्कुल अलग है, और जैसा कि आप देख ही सकते हैं इसे बनाने में ग्रेफाइट और क्ले का इस्तेमाल किया जा रहा है। चलिए अब बढ़ते हैं इसके बाहरी ढांचे की ओर। लेड तो बन गई, पर अब इसे लकड़ी में डालेंगे कैसे? पेंसिल बनाने के लिए ऐसी लकड़ी की जरूरत होती है जो शार्पनर से छिलने पर छिल जाए, पर इतनी कमजोर भी ना हो कि आपके हाथों में ही टूट जाए। इसीलिए दुनिया भर में ज्यादातर इस काम के लिए देवदार के पेड़ की लकड़ी का इस्तेमाल किया जाता है। इन लकड़ियों को बड़ी बड़ी शीट्स में काटा जाता है और मशीन द्वारा कुछ इस तरह से इनमें सांचे बना दिए जाते हैं कि इनके ऊपर लेड को रखा जा सके। पहले इन सांचों में अच्छी तरह से ग्लू भरी जाती है और फिर उसके बाद लेड्स को इनमें डाला जाता है ताकि वो अच्छी तरह से इनमें अपनी जगह पर चिपक सके। इसके बाद इसी तरह की एक और वुडन शीट को इसके ऊपर रख दिया जाता है, ये बिल्कुल एक सैंडविच बनाने जैसा है। उसके बाद इस सैंडविच को एक कंप्रेसर मशीन में डाल दिया जाता है, जो दोनों तरफ से इस पर 900 किलो तक का फोर्स लगाते हैं और 1 घंटे तक ये प्रक्रिया जारी रहती है। ऐसा करने से लकड़ियां आपस में चिपक जाती हैं और ग्लू को भी सूखने का वक्त मिल जाता है। अब वक्त है लकड़ी की शीटों को आजाद पेंसिल्स में बदलने का। ये शीट्स आपस में अच्छी तरह से जुड़ने के बाद फिर एक और मशीन में डाली जाती है, जहां पर इन्हें अलग अलग पेंसिल के रूप में काटा जाता है। नटराज की हेक्सागन शेप बनाने के लिए इस प्रोसेस को 2 बार करना पड़ता है, पहले ऊपर से और फिर नीचे से। ये काम पूरा होने के बाद इन पेंसिल्स को लेक्वायरिंग हेड नाम की एक मशीन में भेज दिया जाता है। इस मशीन का काम इन पेंसिल्स को पेंट करने का। एक के बाद एक पेंसिल इसमें जाती है और रंगीन होकर बाहर आ जाती है, जिसके बाद उन्हें सुखाने से पहले उन पर कंपनी की स्टैंप लगाई जाती है और उन्हें डाई होने के लिए अलग छोड़ दिया जाता है। इसके बाद पेंसिल पैकेजिंग के लिए तैयार है, लेकिन अगर आप वैसी पेंसिल बना रहे हैं जिसके ऊपर इरेजर भी लगी हो तो काम बढ़ जाता है। इरेजर बनाने की प्रक्रिया भी कुछ कम जटिल नहीं है। इसे बनाने के लिए सबसे पहले रबर को हीटिंग रोलर्स में डाला जाता है। रबर के साथ इन हीटिंग रोलर्स में पुराने खराब हो चुके इरेजर्स को भी डाल दिया जाता है,
जिसके बाद रबर को सख्त करने के लिए क्यूरिंग एजेंट के रूप में इसमें सल्फर मिलाया जाता है, और सल्फर को जल्दी से रबर से मिक्स करवाने के लिए कई एक्सेलेटर्स का भी सहारा लिया जाता है जो इस प्रोसेस की गति बढ़ा देते हैं। इसी बीच इनमें कलर और वल्केनाइज्ड वेजिटेबल ऑयल भी डाल दिया जाता है। वल्केनाइज्ड वेजिटेबल ऑयल आम वेजिटेबल ऑयल को सल्फर से ट्रीट करने के बाद बनता है, और ये एक पूरे इरेजर का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होता है, क्योंकि इरेजर को अपनी मिटाने की ताकत रबर से नहीं बल्कि वल्केनाइज्ड वेजिटेबल ऑयल से मिलती है। लगातार रोल हो रहे इस मिक्सचर में फिर कैल्शियम कार्बोनेट जैसे फिल्टर्स को डालकर आखिर में मिक्सचर के सख्त होने पर कर्मचारी इसे बाहर निकाल लेते हैं। इसे फिर आधे दिन के लिए यूं ही छोड़ दिया जाता है। आधे दिन के बाद इन्हें मशीन्स द्वारा काटा जाता है, फिर वर्कर्स इनसे पतले पतले हिस्से काट कर एक स्टीम हीटेड ओवन में कुछ देर के लिए छोड़ देते हैं, जहां से बाहर निकलने पर इन्हें और भी छोटे हिस्सों में काट कर पानी में कुछ देर ठंडा होने के लिए छोड़ दिया जाता है। इन्हें मशीन द्वारा फिर काट कर अपनी मनचाही शेप में ढाला जा सकता है, और अब ये इरेजर्स भी आपकी पेंसिल में जाने को तैयार हैं। उधर असेंबली लाइन में एक एक करके इन पेंसिल्स के ऊपर एल्यूमिनियम की एक कैप लगा दी जाती है। पेंसिल की छोटी दुनिया में इस नाचीज को फरूल भी कहते हैं। इन पर आखिर में एक मशीन आकर इरेजर्स को फिट करती है, और आपकी पेंसिल अब आपके पास आने के लिए पूरी तरह तैयार है। पेंसिल से कई लोगों को गहरा नाता होता है दोस्तों। इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप कोई आर्टिस्ट हैं या बैंक के कर्मचारी जिन्हें पेंसिल पसंद है, और सबकी अपनी एक फेवरेट पेंसिल भी जरूर होती है। पेंसिल के मामले में बचपन में तो काफी बच्चों में हर वक्त एक जंग छिड़ी रहती थी। अप्सरा और नटराज वालों के बीच का तनाव तो भारत और चीन के तनाव से भी ज्यादा था। कोई पीछे हटने को तैयार ही नहीं था। पर क्या आपको एक बात पता है कि अप्सरा और नटराज आप जो भी पेंसिल खरीदें पैसे एक ही कंपनी की जेब में जाते हैं। जी हाँ, दोनों ही पेंसिलों को एक ही कंपनी बनाती है, हिंदुस्तान पेंसिल्स। चौंक गए ना, हिंदुस्तान पेंसिल भारत में रोज 80 लाख पेंसिल बेचती है, जिसकी वजह से पूरे मार्केट पर सिर्फ इस एक कंपनी का शेयर 45% है। किसी भी ब्रांड पर इतना प्रभाव आसानी से किसी बिजनेस में देखने को नहीं मिलता। पर छोड़िए, आपको कौन सी पेंसिल ज्यादा पसंद थी, अप्सरा, नटराज या फिर कोई और, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। अगर आप किसी और विषय पर भी वीडियो चाहते हैं तो हमें कमेंट करके बता सकते हैं। आज के लिए इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।